नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। फेस्टिविटी का मौसम है, खुशियां ही खुशियां हैं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तो चलिए आज मैंने सोचा चलिए जो हाल ही में जो दिवाली का उत्सव मना है, दिवाली का त्योहार जो हमने मिलजुल कर मनाया है, उसकी बधाइयां देते हुए आज के इस एपिसोड को मैं बनाती हूँ। तो आप सबको, मेरे दोस्तों को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दिवाली के बारे में बताते हुए ये मैं आज का ट्यूटोरियल शुरू कर रही हूँ। भारतवर्ष अपने पर्वों, अपने उत्सव, अपने अपने त्यौहार के लिए जाना माना जाता है, और दिवाली का ये जो पर्व है, दीपों का ये जो पर्व दिवाली है, वो देश विदेश में जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत जो है विविध धर्मों, विविध आस्था और विविध विश्वासों वाला देश है। तो इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई सारी कहानियां हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो दो कहानियां हैं, जो मान्यताएं जो एक जो उत्तर भारत में चलती हैं और एक जो दक्षिण भारत में चलती हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगी। कार्तिक की अमावस्या को जो है हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो ये त्यौहार जो है 5 दिन तक जो है इसको मनाते हैं। तो पहला दिन जो है इसको हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन लोग जो है आजकल सोना, चांदी, बर्तन, पहले बर्तन खरीदने की मान्यता थी, अब लोग जो है अपनी जैसे उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो सोना चांदी बर्तन खरीद कर जो है धनतेरस के दिन ले आते हैं। दूसरा दिन जो है चतुर्दशी का जो दिन होता है वो है नरक चौदस। तो नरक चौदस जो मान्यता जो है ये दक्षिण भारत में इसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है और उत्तर भारत में इसे छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। जो उसका नेक्स्ट डे है वो है दिवाली। दिवाली जहाँ पर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली त्योहार का जो मतलब है वो है दीपों का त्योहार, दीपावली, दीपों की अवली। सो दो शब्दों के मेल से बना है, दीप एंड अवली। सो दीपावली दीपों की कतार, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दीपावली। ये केवल हिंदू धर्म नहीं, जैन लोग भी इसे मनाते हैं। एंड जैन धर्म के अनुसार महावीर जो है इस दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो दे सेलिब्रेट दिवाली एज महावीर का निर्वाण दिवस। एंड डाउन इन नॉर्थ, जैसे हम सब जानते हैं, इसके पीछे मान्यता जो है राम सीता लक्ष्मण जो है अयोध्या लौटते हैं। तो दशहरा अभी खत्म हुआ, तो दशहरे के त्योहार में हमने देखा कि राम जो है रावण का वध कर रहे हैं। तो अगेन गुड ओवर इविल। सो दीपावली, नवरात्रि, ये सारे जो है पर्व एक ही संदेश देते हैं कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। राम सहित सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या छोड़कर गए थे तो अयोध्यावासी शोक में डूब गए थे। तो जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो वापस आए तो लोगों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने उनका स्वागत जो है दिए जलाकर किया। सो जब दिए जलाकर उन्होंने जो है लोगों में खुशियां बांटी, मिठाइयां बांटी उनके आने पर, तो देन दैट वो दिन जो है वो क्या बनकर आ गया, दिवाली के रूप में आ गया। सो बेसिकली राम का अयोध्या वापस आना और लोगों का खुशी मनाना दिवाली को डिपेक्ट करता है। यहाँ पर जो है शाम के टाइम पे लक्ष्मी पूजन की जाती है और घर घर में जो है दीप जलाए जाते हैं एंड मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। ये एक मान्यता है। दक्षिण भारत में मान्यता जो है ये है कि नरकासुर का वध। सो साउथ में जो लोग हैं वो सुबह दिवाली मनाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नरकासुर का वध एंड इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ये जो 5 दिन का जो त्योहार है, 4th दिन जो है वो है गोवर्धन पूजा, 5वां दिन जो है भाई दूज का। सो दिवाली का पर्व, दिवाली का जो पर्व है वो 5 डेज ऑफ सेलिब्रेशन। सो पहले वाला दिन जो है धनतेरस, सेकेंड छोटी दिवाली और नरक चौदस, तीसरे दिन दिवाली जिसमें लक्ष्मी पूजन, 4th डे इज गोवर्धन पूजन, 5th डे इज भाई दूज। तो फुल ऑल राउंड ऑफ फेस्टिविटी एंड दिया एंड मिठाइयाँ पटाखे।
इस पर्व की कई सारी विशेषताएं कि यू नो बारिश के मौसम के बाद जब इतने मच्छर वच्छर जब पैदा हो जाते हैं तो क्या होता था कि पटाखों के बाद जो उससे जो धुआं निकलता था वो जो है वो कीटाणु मर जाते थे। बट आजकल जो है पटाखों के इससे वातावरण दूषित हो गया है, तो लोगों ने अभी अभी जो है समय दिया जाता है पटाखों को बर्स्ट करने के लिए। ये भी एक तरह से पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। जब आतिशबाजी कर रहे हैं, जब पटाखे छोड़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़रा मतलब अपना ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, अपने साथ जो अपने सराउंडिंग्स जो हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अस्पतालों के पास या मतलब जहाँ पर जब बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पर वो जो बहुत तेज बजने वाले पटाखे हैं वो ना चलाएं। दीपावली जो है वो आनंद का पर्व है, प्रेम पूर्वक और सावधानी से इसे मनाइए। हमारे हर पर्व का जो एक मॉरल होता है, जो एक सीख होती है, वो यही है कि बुराई पर बुराई कभी नहीं जीत सकती, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। देर से होगी मगर होगी ज़रूर। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक वाला बटन है उस पर लाइक कीजिए, और मेरे जो बाकी जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पर आपको उसका मैं लिंक पोस्ट कर दूँगी, तो देखते रहिए, कॉमेंट ज़रूर कीजिए, एंड see you with another tutorial very soon. Wish you all a very, very happy Diwali.